आप से जुड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब कीजिए 3N न्यूज नेटवर्क। कौन सा दोषी अधिकारी, क्या किया, जो मारपीट किया विधायक, कहाँ किया, उन लोगों ने क्या किया, वो तो उन्होंने बताए अपना, ये कौन सी कार्रवाई, हम तो जानते नहीं हो, तो अपना तो एक्सप्लेन करें कि विधानसभा के अध्यक्ष के चैम्बर को किस तरह से आपने किया, विधानसभा के अध्यक्ष के आसन को क्या किया, विधानसभा के अंदर क्या किया, और कोई मारपीट किया? आप जरा कल्पना कर लीजिए कि इधर सत्ता पक्ष के जितने थे सदस्य बैठे रहे और वो क्या नहीं बोलते रहे, किस पर क्या नहीं बोलते रहे, कितना क्या चीज फेंकते रहे, कहां पर जो आजकल जुलूस निकाल रहे थे और जो कुछ भी कर रहे थे, कितना पत्थर फेंक रहे थे, तो वो ना बताएंगे, वो तो बताएंगे। ये तो जो कुछ भी स्थिति पैदा की, ये तो स्पीकर साहब के हाथ में है, पूरा ये कैंपस है, इस कैंपस में अगर किन्हीं का नियंत्रण है तो सीधे विधानसभा के अध्यक्ष महोदय का नियंत्रण है, ये नहीं कि सरकार के लोगों का है, मुख्यमंत्री का या सरकार के अन्य किसी व्यक्ति का है। तो यहाँ उनके माध्यम से हुआ, और जिस प्रकार से डिस्टर्ब कर रहे थे लोग, कैसा दृश्य उपस्थित कर रहे थे, तो उन्होंने बुलाया ताकि सबको एक अपना, जिसको निकलना है निकले। अब जिस तरह से भी किया गया वो तो वही किया गया जो करने के बिना कोई उपाय नहीं था, कोई चारा नहीं था, तो ये सारी बात कही गई। इसलिए वो क्या बोलते हैं ये तो वो ना बताएं, उनको भी तो बताएं कि जिस तरह का व्यवहार सदन के अंदर किया ये आज तक कभी नहीं किया गया, ये वो क्या कह रहे हैं ये तो बताएं, या स्पीकर साहब को एक्सप्लेन करें, नहीं तो स्पीकर साहब को अधिकार है, जो इस तरह का व्यवहार किया उसके ऊपर वो कार्रवाई भी कर सकते हैं। हम नहीं कुछ कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कार्रवाई कीजिए या मत करिए, लेकिन ये अधिकार विधान परिषद विधानसभा को चलाना ये उनका अधिकार है, विधान परिषद को चलाना सभापति महोदय का अधिकार है, और जो कुछ भी हुआ, और हम लोग तो सब शांति से बैठे रहे, लेकिन उन लोगों ने जो अशांत पैदा करने की, अशांति पैदा करने की कोशिश की है, तो उसके लिए ये स्पीकर साहब की जिम्मेवारी थी कि नॉर्मलाइज करें और सदन की जो कार्यवाही है उस कार्यवाही को पूरा करें। तो ये सब किया गया, इसलिए कोई बात नहीं है। अगर किसी बात को कह रहे हैं तो मैं तो सभी अपने माननीय पत्रकार बंधुओं को कहूंगा कि एक एक चीज का विश्लेषण जरूर करें, कौन क्या बोलता है, भाई हम लोग तो कुछ नहीं बोलते, जब आप लोग पूछ रहे हैं तो हम लोग बता रहे हैं, नहीं तो इस तरह का कोई दृश्य नहीं था, ऐसा कोई कल्पना नहीं कर सकता। आज तक आप बता लीजिए कि विधानसभा और विधान परिषद में इस तरह का दृश्य, अपने आसन से मान लीजिए कि किसी भी प्रोसीडिंग को आप रोकने के लिए लगातार खड़े हैं, बोल रहे हैं, ये सब चलता रहा, लेकिन आप सीधे स्पीकर के आसन को इस तरह से डिस्टर्ब करिएगा, स्पीकर साहब को अपने चैम्बर से निकलने नहीं दीजिएगा, ये कहीं आज तक हुआ है? आज तक कहीं नहीं हुआ है, और जगहों का भी पता कर लीजिएगा। इसलिए पता नहीं इन लोगों के कौन ऐसे सलाह देने वाले, सुझाव करने वाले या इस तरह का विचार अपनाने वाले लोग हैं, ये वही लोग सोच सकते हैं, वही लोग जवाब दे सकते हैं। हमने तो यहाँ तक भी कहा कि विधानसभा के कार्यवाही जिस तरह से होती है, इसके लिए जो नियम है, कानून है, सब चीज़ के बारे में जो इसके प्रावधान हैं, तो सब चीज़ों के बारे में जितने भी नए निर्वाचित सदस्य हुए हों, पहली बार आए हों, उनके लिए एक ट्रेनिंग की भी व्यवस्था कर दीजिए, ताकि एक एक चीज़ को जान लें। सबको अधिकार है अपना करने का, सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, सबको अधिकार है अपनी बात को सदन की कार्यवाही में रखने का, लेकिन सदन की कार्यवाही को कुछ हद तक कोई बाधित भी करते रहे, लेकिन इस प्रकार से व्यवहार, ये तो आश्चर्यजनक है। हम तो इतने दिनों से, आप सब जानते हैं कि हम 85 में पहली बार MLA बने, उसके बाद से जब तक रहे, फिर हम तो चले गए, MP बन गए, और फिर जब हम 2005 के नवंबर महीने में 24 नवंबर से यहाँ पर की सेवा कर रहे हैं, यहाँ पर आए हैं, तो आज तक तो ऐसा दृश्य नहीं देखा है भाई, क्यों हुआ है? हम तो इतना जरूर आग्रह करेंगे कि विधानसभा हो, विधान परिषद हो, ये सब की जिम्मेवारी है, सब की उसमें भूमिका है, अपनी भूमिका रखनी चाहिए, और अगर जो कुछ भी अपना विचार है उसको प्रकट करना चाहिए, सदन की कार्यवाही को
चलने में सहयोग करना चाहिए और अपनी बात को रखना चाहिए, उत्तर सुनना चाहिए, ये सबको अधिकार है और पूरे सदन को अधिकार है, इसलिए हम तो यही करेंगे। आसन को सत्ता पक्ष के द्वारा गाइड किया जा रहा है, सत्ता पक्ष क्या इसमें, सत्ता पक्ष की कोई भूमिका नहीं। आप जान लीजिए कल जो सत्ता पक्ष के माननीय विधायक गण थे किस तरह से बैठे रहे, कंटिन्यूअस लगातार बैठे रहे हैं, कभी कोई किसी ने इधर उधर नहीं किया, कोई झगड़ा किया है, एक तरफा हो रहा था ना, इधर से कोई झगड़ा कर रहा था। आप समझ लीजिए कि सत्ता पक्ष के जो माननीय विधायक गण है वो सब नियमों के मुताबिक काम करना चाहते थे और काम कर रहे थे और चाहते थे नियमों के मुताबिक काम, तो सत्ता पक्ष का कोई रोल नहीं है। आप जब कार्यवाही पूरे तौर पर नहीं होने दे रहे हैं, यह जिम्मेवारी माननीय स्पीकर साहब को है, ये उन्होंने अध्यक्ष महोदय ने जो कुछ भी उचित समझा है वो इसके हिसाब से किया। पुलिसकर्मियों से मारपीट कोई ठीक नहीं, पुलिसकर्मियों के साथ भी क्या व्यवहार हुआ है ये तो सब हुआ, सबको मालूम, पुलिसकर्मियों ने जो किया नहीं, पुलिसकर्मियों के साथ भी तो क्या किया, जब पुलिसकर्मियों को यहाँ के काम को अपने यहाँ अंदर देखने के लिए और कैंपस को देखने के लिए अगर बुलाया गया कि आप देख लीजिए इसको नियंत्रित करिए, ये बात अगर स्पीकर साहब की तरफ से हो गया तो उसको उन्होंने किया है।